खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात मेरठ की करेंगे। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर गंदगी और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। डीएम बी चंद्रकला ने औचक निरीक्षण इस दौरान किया है। डीएम ने नगर निगम अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर गंदगी और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। डीएम ने नगर निगम अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। डीएम ने इस दौरान औचक निरीक्षण किया है। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं जो मेरठ से हमें मिल रही है। तो लगातार जिस तरह से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, नगर निगम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं है, इसी को लेकर अब औचक निरीक्षण यहां पर किया है डीएम बी चंद्रकला ने। डीएम ने नगर निगम अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई है इस दौरान। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर गंदगी और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। शहर को साफ सुथरा करने के लिए अब डीएम एक्शन में खुद आ गई हैं। डीएम ने इस दौरान नगर निगम अधिकारियों की क्लास लगाई है। लगातार जिस तरह से मेरठ में गंदगी बढ़ती जा रही है, साफ सफाई नहीं रहती है, इसके साथ ही अतिक्रमण जारी है, इसी को लेकर अब डीएम खुद एक्शन में आ गई हैं। डीएम ने औचक निरीक्षण किया है। डीएम ने नगर निगम अधिकारियों की इस दौरान जमकर क्लास भी लगाई। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं, सहयोगी मुनव्वर हैं हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुनव्वर, डीएम अब खुद एक्शन में आ गई हैं, इस दौरान नगर निगम अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है यहां पर। मैं आपको बता दूं अंकिता, डीएम अभी चंद्रकला जब से मेरठ में आई है तब से एकदम एक्शन में है। उन्होंने पहले जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें भी कई जो अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी काम के लिए, आज वो निरीक्षण पर निकली है। जो सफाई अभियान है और जो पार्कों का अतिक्रमण कर लिया गया, उनको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। और जो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था जो बहुत दुरुस्त नहीं है, इसके चलते जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनको सार्वजनिक तौर पर सभी के सामने फटकार लगाई जा रही है और आदेश किए गए हैं कि कब्जा मुक्त करा करके जो पार्क है उनका सौंदर्यीकरण कराए और साथ ही साथ जो शहर में गंदगी फैली है उसको साफ कराए। बता दें आपको कि शहर में इस समय जो बुखार का आलम है वो कहीं ना कहीं महामारी की तरह पनप रहा है। हर दूसरा व्यक्ति यहाँ पर बीमार है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। आप यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने डीएम से शिकायत करनी शुरू कर दी है कि यहाँ पर जो गंदगी है उसको नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं उठाते नहीं है, और जो यहाँ पर चूना डालना चाहिए, पाउडर डालना चाहिए जिससे महामारी ना फैले, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो डीएम एक्शन में आ गई है और खुद सड़कों पर उतर करके इस समय निरीक्षण कर रही है। इस वक्त वो अभी शेरगढ़ी में मौजूद है और लगातार यहाँ पर निरीक्षण चल रहा है। और कहीं ना कहीं आज निश्चित तौर पर एक एक दो अधिकारी पर जरूर गाज गिरेगी और साथ ही साथ जो सफाई कर्मचारी है उन पर भी गाज गिरने की आशंका है। बिल्कुल, अधिकारियों पर यहाँ पर गाज गिर सकती है कि जिस तरह से लापरवाही लगातार यहाँ पर अधिकारियों के सामने आ रही है। डीएम ने औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों की जमकर क्लास यहाँ पर लगाई गई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुनव्वर।